ओपेके मुकुदे प्यो मरे घर बेला शाला मरण न वीर किसे दे ते उजड़ जांदाई ये मिला और हिजरी तेरा जे पानी मंगे ते खूने न दे गेड़ा और जी कर दे आका सामने बिठा के अज दर्द पुराने छेड़ा और हिजरी तेरा जे पानी मंगे ते खूने न दे गेड़ा ओ जी कर दे आका सामने बिठा के अज दर्द पुराने छेड़ा। और इंशाल्लाह वो जिंदगी में वक्त आएगा जो हुजूर की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हिजरी तेरा जे पानी मंगे ते खूने न दे गेड़ा ओ जी कर दे आका सामने बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा ते तू बेली ते आका सग सब जग बेली और तू बेली ते सब जग बेली ते अनबेली भी बेली और सजना बाज यार रसूल अल्लाह यार रसूल ओ सजना बाज ए मुहम्मद बख्शा आज सुनजी पई हवेली। जब बाप फौत हो जाता है तो बच्चा किस तरह कलपता है तड़पता है कि मेरा बाप इस हवेली में बैठा होता है, मेरा बाप इस डेरे पे बैठा होता है। आज बैठने वाला कोई नहीं। अपने वालदैन की कदर करो, अपने वालदैन की इज्जत करो। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत है। जब ये आपसे चले जाएंगे आपने रोना है कि मेरा बाप दुआएं देता था, मेरी माँ दुआएं देती थी, मेरा बाप मेरे लिए हर जगह सहारा बनकर आता था। मियां साहब फरमा दे रहे सुपने विच मेरा मुर्शद मिलिया मैं गल विच पानिया बावा ते डरदी मारी अख न खोला किते फिर बिछड़ना जावा। अपने मुर्शदों की कदर किया गया, जिनके मुर्शद नहीं वो जिंदगी में फौरन अपना मुर्शद पकड़े और मुर्शद वाले होने ताकि आपको खुदा और मुस्तफा का रास्ता मिल जाए। फिर आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसान सारे दिन तड़पता है और ये कहता है मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। उसको ये नहीं पता कि तेरी जिंदगी की शाम किस मोड़ पर हो जाए। मियां साहब क्या फरमाते लोए लोए पर ले कुड़िए जे तुद पांडा भरना और शाम पही बिन शाम मुहम्मद तू कर जा दीने डरना। जब तेरी रूह निकल जाएगी लोग तुझे उस घर की तरफ लेके जाएंगे फिर तू उसकी वैश्य से डरेगा, फिर कहेगा काश के मैं दुनिया में कोई अच्छे काम कर लेता। और एक मकाम पे
क्या खूबसूरत उन्होंने बात की जब मुर्शिद और बाप नजर आए। फरमाते उचिया लमिया लाल खजूरा ते पत्ते जिना दे सावे जिनू बेलिया मेरी अखियां ढूंढन अजो नजर ना आवे जिनू बेलिया मेरी अखियां ढूंढन अजो नजर ना आवे। माँ कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। जब दुनिया से चली जाती है बेटियां किस तरह डाइयां मार मार के रोती हैं। बाप कितना बड़ा अल्लाह का करम है बंदों पर, जब बाप घर में नहीं होता तो औलाद अपने बाप को तलाश कर कर फिर रोती है। फिर आगे क्या फरमाते हैं, सखियां नाल मैं खेडन निकली ते टूट गया मेरिया वंगा ओ सखिया नाल मैं खेडन निकली ते टूट गया मेरिया वंगा माँ दी ते होर चढ़ा दी हद प्यो कोलो की मंगा। जब माएं फौत हो जाती हैं, बेटियां जब घरों में आती हैं, माओं की खुशियां होती हैं कि अपनी बेटियों को चूड़ियां चढ़ाएं, वंगे चढ़ाएं, लेकिन जब वो नहीं होती तो बेटियां किस कदर परेशान। फिर बंदा अपने माँ और बाप के लिए क्या दुआ मांगे, यही दुआ मेरी मौला ना मरन किसे दिया मामा प्यो जे सर दे ताज मुहम्मद ओ मावा ठंडियां छावा प्यो जे सर दे ताज मुहम्मद ओ मावा ठंडियां छावा। आगे क्या फरमाते हैं, मां मरे ते पेके मुको दे ते प्यो मरे कंड खाली मावां बाजी ए मुहम्मद बख्श अज कौन करे रखवाली ओ मावां बाज मुहम्मद बख्श अज कौन करे रखवाली। आपने देखा कि मुर्गी जब वो चूजे निकालती है और जब रात की तन्हाइयां होती हैं अपने चूजों को लेकर अपने परों के अंदर छुपा लेती है कि कोई चीज इनको लेकर ना चले जाए। माँ की भी यही शान होती है कि अपने बच्चों को किस कदर वो प्यार करती है और किस तरह वो छुपाती है। आगे चले, भाई भाइयां दे मियां साहब फरमाते, बाप मरे ते सर नंगा होवे वीर मरे कंड खाली मावां बाज मुहम्मद बख्श अज कौन करे रखवाली मावां बाज मुहम्मद बख्श अज कौन करे रखवाली। और भाई भाइयां दे दर्द वडावन ते पाई पाइयां दियां बावां ओ बाप ने सर दे ताज मुहम्मद ओ मावां ठंडियां छावां। और आगे आप देखें कि मियां साहब ने बहुत बड़ी वसीयत की कि आप लोग अपनी औलाद के लिए क्या करते हैं और किस तरह मरते हैं तड़पते हैं, ये कर लूं ये कर लूं ये कर लूं ये कर लूं। और औलाद की बात आगे मियां साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, आप फरमाते हैं कि रू निकली ते मुर्दा हो यो और रू निकली ते मुर्दा हो हर कोई ते थो डरदा
एक पल तेनू रहन न दे दे ओ मन करे जिस करदा एक पल तेनू रहन न दे दे ओ मन करे जिस करदा। क्या खूबसूरत मियां साहब ने जिंदगी का नचोड़ ले निकाल दिया के रू निकली ते मुर्दा हो ते हर कोई ते थो डरदा एक पल तेनू रहन न दे दे ते मन करे जिस करदा। फिर हर एक की ख्वाहिश होती जल्दी करो इसको गुसल दो कफन पहनाओ इसको निकालो घर से। कहाँ गई तेरी कोठियां कहाँ गए तेरे बंगले कहाँ गई तेरी गाड़ियां कहाँ गई तेरी ऐश इशरत कहाँ गई तेरी शराब नोशी कहाँ गई तेरे नशे कहाँ गए तेरे यार कहाँ गए तेरे घर वाले कहाँ गए तेरे बेली सज्जन। आखिर तूने अकेला आया था और दुनिया से अकेले जाना है। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ फिक्र आखिरत के हवाले से मियां साहब ने क्या कहा, मियां मोहम्मद खड़ी शरीफ के ताजदार ने क्या कहा। जिना दे दिलबर जानी बिछड़े कौन रोवे मुड़ थोड़ा जिना दे दिल भर जानी बिछड़े ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा सब रोगां दा रोग मुहम्मद और जिस दा नाम बिछोड़ा सब रोग। या रसूल अल्लाह करम करना हुजूर आखिरी वक्त आपका दीदार हो। फरमाते सब रोगां दा रोग मुहम्मद ते जिस दा नाम बिछोड़ा कसम खुदा दी पना खुदा दी बुरे अजाब जुदाइयां ते पिछले लोग जुदाइयां को लो ओ देंदे गए दुहाइयां और पिछले लोग जुदाइयां को लो ओ देंदे गए दुहाइयां और कर कर राखी। बाप कितनी राखी करता है अपने बाप बाप की अपनी बीवी की अपनी बेटियों की अपने बेटों की और किस कदर अपने घर के उस पूरे घर की रखवाली करता है। लेकिन मियां साहब ने बड़ा खूबसूरत उसका नक्शा बना दिया। फरमाते कर कर राखी बाग तेरे दी ते उम्र गुजारी सारी और कर कर राखी बाग तेरे दी उम्र गुजारी सारी ओ जद फल पकण ते आया ते लगे हो बुपारी। आपने देखा मेरा बेटा जवान हुआ फौत हो गया बेटी जवान हुई जवानी में फौत हो गई बीवी थी जवानी में फौत हो गई। ये एक इंसान की जिंदगी का सारा सिलसिला है। हमने कई देखा कईयों के बेटे जवान फौत हो गए कईयों की बेटियां फौत हो गई कईयों की बीवियां फौत हो गई कई खुद फौत हो गए। तो मियां साहब फरमाते के कर कर राखी उम्र गुजारी सारी जब फल पक्कन ते आया तो लै गए और बुपारी इस बाग दा बुपारी इजराइल है उसने लेकर जाना उसने छोड़ना नहीं। आगे फरमाते रात पोए ते बेदर्दानू नींद सुख दी आवे
रात पुए ते बेदरदानू नींद मिठी मिठी आवे दर्दमंदानू याद सजना दे अज सुतियां आन जगावे दर्द सजना दी याद सजना दी ते सुतियां आन जगावे। और आगे फिर क्या खूबसूरत इंसान की जिंदगी का नक्शा बयान कर दिया। फरमाते सदा ना बागे बुलबुल बोले सदा ना मौज बहारा सदा ना माँ पे हुसन जवानी सदा ना संगत यारा ना सदा माँ ने रहना है ना बाप ने रहना है ना दोस्तों ने रहना है ना खुद तुमने रहना है और ना तुम्हारे ये हुसन और जवानी ने रहना है। फरमाते सदा ना माँ पे हुसन जवानी सदा ना संगत यारा। फिर क्या खूबसूरत मियां साहब ने बात की। मां ने ना करी है कमाल कर दिया इंसान की जिंदगी के लिए कैसा खूबसूरत तोहफा दिया। फरमाते मां ने ना करी है रूप घने दा वारस कौन हुसन दा सदा न रह सन शाखा हरिया सदा न फुल चमंदा। फरमाते मान न करिए रूप कने दा फरमाते कि मान न करी अपने रूप दा और मान न करी अपने हुसन दा। फरमाते मान न करिए रूप कने दा वारस कौन हुसन दा सदा न रे सन शाख हरिया ते सदा न फुलो चमंदे। फरमाते कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि बाग के सारे पत्ते जड़ जाते हैं बाग के सारे फूल खत्म हो जाते हैं। यही इंसान की जिंदगी है कि इंसान बड़ा कुछ करता है लेकिन एक दिन इसने चले जाना। और फिर मियां साहब ने आखिरी वसीयत जो की आप वो सुने कि बंदा क्या करे और किस तरफ जाए किससे दोस्ती लगाए। फरमाते हैं लख हजार बहार हुसन दी। फरमाते लख हजार बहार हुसन दी ते अंदर खाक समानी लापरी ते मुहम्मद बख्श ते जग विच रहे कहानी लापरी ते मुहम्मद बख्श ते जग विच रहे कहानी। वआखु दावना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिजर का कलाम मियां साहब ने क्या खूबसूरत जिंदगी का हमें तोहफा दिया है। और आपने ये बड़ी खूबसूरत हिजर के हवाले से बातें की कि इंसान कहता नहीं ये घर मेरा ये कोठी मेरी बंगली मेरी ये सारी जमीनें मेरी हैं। तो मियां साहब ने उसका जवाब दिया है कि इंसान का क्या है। फरमाते जिन्ना ले तू पाप कमा
आवे जिना लई तू पाप कमावे। अज किथे नी तेरे कर दे पैरों सार वेड़े विची पे ओ ते कड़ो कड़ो कर दे पैरों सार वेड़े विची पे ओ ते अज कड़ो कड़ो कर दे। फरमाते हैं कि जिनके लिए तू इतना पाप कमाता है और जब तू मर जाता है तो क्या कहते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, तू पैर बिछा कर लेटा होता है, लेकिन तेरे घर वाले क्या कहते हैं, इसको जल्दी निकालो कड्डो कड्डो करो करो। ये है इंसान की हकीकत। आदर दाविच खाली खाने आविच बे मकाना महबूबानू विदियां करके बच दिया मुश्किल जाना महबूबानू विदियां करके ते बच दिया मुश्किल जाना। माँ भी महबूब है, बाप भी महबूब है, मुर्शद भी महबूब है, और भी बड़े महबूब होते हैं। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका जीना। फिर आगे मियां साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, बाग होए विच यार ना होए और बाग होए विच यार ना होए ते लगदा ये दिल्ली किसदा उजार दिसन बहा वांगू जे यार होवे विची वस्ता कलियां छड़ी के टुर गया माही। यार यार को कह रहे हैं और कलियां छड़ी के टुर गया माही ते पागियां विची फिकरां ते पाटी लीर पुरानी वांगू ते टंग गया विची किकरां। हमने देखा जिनके सुहाग लुट जाते हैं उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, जिनके बाप जिनकी माएं उनके सरों से चली जाती हैं, वो गमों के जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर वो चले जाते हैं। जिस कारीगर कड़ाए बनाया ते कीमत घिनसी पूरी और जिस कारीगर ने कड़ाए बनाया ते कीमत घिनसी पूरी कुड़िया की जान सार कड़े दी कर सुट दिया चूरो चूरो। फिर फरमाते कल्ला हाथ कदी ना तुझीदा ते एक दूजे नू तो दे ओ सजना बाद मुहम्मद बख्शा अज कौन किसे नू रो दे ओ सजना बाद मुहम्मद बख्शा अज कौन किसे नू रो दे ओ दुनिया डाडी असियां माड़े और दुनिया डाडी असियां माड़े ते दर्द उफना करिए तुर जाऊं महबूब जिना दे ना जिंदे ना मरदे तुर जाऊं महबूब जिना दे ना जिंदे ना मरदे रात तेरी तेरा मैं तकदीर दी
राह तेरा मैं तकदीरे दी मैल उचरे चढ़ के दिल जद काली पावे मैं रोवा अंदर पड़ या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल हुजूर कदी ते करम करोगे आका मेरे न सारे सुनन वाले ते भी हुजूर करम कर दे दा उसकी रातिया आका मेहरबानी करना हुजूर करम नवाजी करना सानु बेहसरा ना छड़ या रसूल अल्लाह रात तेरा मैं तकदी रे दी मेल उचे ते चढ़ के दिल मेरा जद काली पावे मैं रोवा अंदर बढ़ के टुर गए सज्जन और टुर गए सज्जन छड़ गए डेरे सुंजे कर गए डेरे खुशियां दे विच बस दे जेड़े खबरे क्यों केड़े खुशियां दे विच बस दे जेड़े खबरे कौन केड़े मियां सा फरमा दे दिल भर दे दरवाजे ओते ओ मैं कमलियां झोंका दिल भर दे दरवाजे ओते ते मो कमलियां झोंका नवे नवे ना यार बनाए ते वांझ कमीनियां लोकां नवे नवे ना यार बनाए ते वांझ कमीनियां लोकां आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा ये पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए व आखिर दावना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फिर मियां साहब ने हिजर के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें की और यह भी बताया कि दोस्त कैसा रखना चाहिए फरमाते असला नाल जिन्ने की करिए ओ असला नाल जिन्ने की करिए ते सदियां नहीं हो भुल दे बे असला नाल जने की करिए कोड़ी मुल ना पेंदे ये भी हुजूर ने हमें दोस्ती का मायार बताया आप दोस्ती ऐसे शख्स से करें कि जिसकी दोस्ती पर दुनिया फख्र करे आप अपनी दोस्ती करनी है तो मेरी सरकार से करें हजरत दाता गंज बख्शे करें हजरत गौस पाक से करें हजरत ख्वाजा अजमेर से करें हजरत सखी सुल्तान बाहू से करें इनकी दोस्ती में तो दुनिया को नाज है दुनिया को फखर है आपको पता है कि ये कौन है ये अल्लाह के दोस्त हैं ये अल्लाह के सफी हैं अल्लाह के नुमाइंदा हैं इनकी दोस्तियों पर आपको जिंदगी में कभी रुसवाई नहीं होगी और आप कमीने लोगों से दोस्तियां मत करें मियां साहब फरमाते ने बेशर्मी दे हलवे नालो ते साग सरोदा चंगा बेवफा सज्जन नालो ओ साथ चुड़े दा चंगा
और बेशर्मी दे हलवे नालो ते साग सरोदा चंगा और बेवफा सज्जन नालो ओ सात चुड़े दा चंगा और सारी उम्र मेके गुजारी ते आखर सोरे जाना लखाए बे मेरी मां पई कजे ओ सस कजे ता जाना और एक गुना मेरा मां प्यो वेखे ओ दे देस निकाला लख गुना मेरा अल्लाह वेखे ओ परदे पावन वाला लख गुना मेरा अल्लाह वेखे ओ परदे पावन वाला फिर फरमाते मोती चोग जिनादी होवे ओनी चुगदे दाने करम जिना ते सरकार दहोवे ओ कमले होण सियाणे ओ करम जिना ते सरकार दहोवे ओ कमले होण सियाणे आशक रबू दे कदी ना मर दे ते कर दे परदा पोशी और क्यों आजे दुनिया ओ तो और टुर गए नाल खमोशी और क्यों आजे दुनिया ओ तो और